हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में अपन जूलॉजी का टॉपिक ले रखे थे। उसमें अपन ने कल अपन बात कर रहे थे कि जो एनिमल, देखो पहले फाइलम की अपन ने बात की थी, लेकिन यूनिट थर्ड के अंदर अपन देख रहे थे कि ओबेलिया कॉलोनी के बारे में। ये एक स्लेंट्रेट्स एनिमल होता है ओबेलिया। इस ओबेलिया की कॉलोनी पाई जाती है। इस कॉलोनी के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होते हैं, इनके रूप पाए जाते हैं। इनकी विशिष्टता ये होती है कि इनके अंदर अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन अपन ने बात की थी इसमें, क्योंकि ये जो कॉलोनी बनाकर रहने वाले जीव है जैसे ओबेलियंस, इन ओबेलियंस में विशिष्ट प्रकार की क्या पाई जाती है, संरचनाएं पाई जाती है। इन संरचनाओं मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सबसे पहले बताया था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखो दो प्रकार के इसमें विशिष्ट प्रकार के जॉइंट्स पाए जाते हैं। जो इनके अंदर रूप या फॉर्म्स पाई जाएगी, उन रूप या फॉर्म्स को अपन क्या कहेंगे, यहाँ पे जॉइंट्स कहा जाएगा। जॉइंट्स को क्या कहा जाता है, जीवक कहा जाता है। पहला तो मैंने आपको बताया था पॉलिप पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, हाइड्रेंथ कहा जाता है। और जो दूसरा इसके अंदर होता है वो क्या कहा जाता है, इसमें गोरेंजिया कहा जाता है, जिसे ब्लास्टोस्टाइल कहा जाता है। ये दोनों की दोनों जो इसके अंदर जो फॉर्म्स पाए जाते हैं, जो जीवक पाए जाते हैं, ये जीवक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो अप करते हैं। इनके अंदर क्या होता है, अलैंगिक जनन के द्वारा, देखो पॉलिप की संरचना कल मैंने आपको बताई भी थी कि हाइड्रा के समान संरचना पाई जाती है, जिसके ऊपर की ओर क्या होगी, छोटे छोटे लंबी आकृति में पतली पतली संरचनाएं पाई जाएगी, नुकीली संरचनाएं। उन्हें क्या कहा जाता है, टेंटेकल्स कहा जाता है, यानी स्पर्शक उन्हें कहा जाता है। तो अपन यहाँ पे आज बात करेंगे कि जो यहाँ पे ओबेलियन कॉलोनी होती है, जिसके अंदर जो जॉइंट्स होते हैं, मुख्य रूप से अपन यहाँ पे आज बात करेंगे जॉइंट्स की बात करेंगे। जॉइंट्स मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो बताए, एक तो कौन सा होगा, पॉलिप होगा, और दूसरा कौन सा होगा, इसमें गोनेंजिया होता है। ये अलैंगिक जनन के लिए स्पेसिफिक संरचनाएं होती है। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे पॉलिप की। देखो पॉलिप की जो संरचना होती है, पॉलिप की संरचना यहाँ पे अपन बात करेंगे, ये एक पोषक जीवक होता है। ध्यान देना, जो पॉलिप संरचना होती है ये कौन सा जीवक होता है, एक पोषक जीवक कहलाता है। पोषक जीवक में अपन लेके चले, जो भी इसमें भोजन के अंतर्ग्रहण की जो क्रिया होती है, वो क्रिया किसके द्वारा होगी, यहाँ पे पॉलिप संरचना के द्वारा होती है। ये एक बेलनाकार संरचना होती है, और इसके अंदर कौन सी सम्मिति पाई जाती है, अरीय प्रकार की इसके अंदर सम्मिति पाई जाती है। ये इसे क्या कहा जाता है, दूसरा नाम इसका कौन सा होता है, हाइड्रेंथ इसे कहा जाता है। तो ये एक फलन लाइक स्ट्रक्चर, देखो ऊपर की तरफ फलन लाइक स्ट्रक्चर और नीचे से कैसे होगी, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, यानी बेलनाकार संरचना इसमें पाई जाती है। तो ये पॉलिप में अपन देखेंगे कौन सी सिमेट्री पाई जाएगी, यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे अरीय प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है। इसका स्वतंत्र सिरा मैंने आपको क्या बताया, फलन लाइक है, यानी शंकु रूपी कोन लाइक स्ट्रक्चर, कोन के फॉर्म में भी बोल सकते हैं, यानी शंकु रूपी संरचना होती है। इसी के अंदर देखो ये जो फलन लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे क्या कहा जाता है, मैनुब्रियम कहा जाता है। तो ये जो कहलाती है यहाँ पे, ये क्या कहलाता है, यहाँ पे हस्तक जिसे बोल सकते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, मैनुब्रियम। इस संरचना को अस्तक या मैन्यूब्रियम कहा जाता है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, इसके सिर के ऊपर मुख वाला भाग पाया जाता है, और इस वाले भाग से ही यहाँ से क्या निकलता है, टेंटेकल्स निकलते हैं। देखो ये अपने पास एक अस्तक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी आपको, इस अस्तक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे चारों तरफ इस मुख वाले भाग में, देखो ये माउथ वाला भाग है, इसे क्या कहा जाता है, यहाँ पे माउथ कहा जाता है। और इस वाले यानी कि इस माउथ वाले भाग में क्या होता है, इसे हाइपोस्टोम भी से कहा जाता है। इस हाइपोस्टोम वाले भाग के चारों ओर आपको क्या प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं, टेंटेकल्स या स्पर्शक दिखाई दे रहे हैं। इन स्पर्शकों की संख्या यहां पे अपन ले सकते हैं, तो कितनी होगी, 30 तक इनकी संख्या स्पर्शकों की होती है। इन स्पर्शकों में ही क्या पाया जाता है, मूवमेंट पाया जाता है, यानी कि मूवमेंट की क्षमता इनके अंदर पाई जाती है। तो ये अपनी संरचना किसकी हुई, यहां पे पॉलिप संरचना हुई, या इसके यानी कि इस हाइड्रेंथ के चारों ओर स्पर्शक उपस्थित हो गए, इनमें क्या पाया जाता है, मूवमेंट उपस्थित होता है। अब देखो यहां पे ये जो आपको हाइड्रेंथ वाला भाग है, इसमें ये पैलेनुमा संरचना, इस वाले यहाँ पे मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है, इसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोथिका कहा जाता है। तो ध्यान देना, ये संरचना जो होगी वो कौन सी कहलाएगी, हाइड्रोथिका कहलाएगी। मध्य में माउथ प्रेजेंट होगा, यहाँ पे इसे क्या कहा जाएगा, हाइपोस्टोम इसे कहा जाता है। तो ये तो हो गई अपनी पॉलिप की संरचना, ये मैंने आपको बताई है बना के, ये अस्तक वाला भाग क्या कहलाता है, मैनुब्रियम कहलाता है। आपको बताया इसमें दो यानी लेयरिंग जो होती है, यानी कि एक तो होती है पेरिशार्क और सिनोसार्क। कल अपने डिटेल में बात की थी पेरिशार्क और सिनोसार्क की, इसमें क्या होती है, विशिष्ट प्रकार की मसल्स पाई जाती, यानी मसल कोशिकाएं भी इनमें पाई जाती है। लेकिन अपन कोशिकाओं की बात करें तो पेशी कोशिकाएं जो होती है वो संकुचन करने का कार्य करती है। कुछ पोषक कोशिकाएं भी मैंने आपको बताई थी, वो क्या करती है, यहाँ पर यानी पोषण की क्रिया के लिए क्या होती है, हेल्पफुल होती है। ये अपने पास किसकी बात हो गई, यहाँ पे ये संरचना
गई पॉलिप की। अब अपन दूसरी बात करते हैं किसकी, गोनेंजिया, जिसे क्या कहा जाता है, ब्लास्टो स्टाइल कहा जाता है। तो दूसरी संरचना, ये दोनों की दोनों संरचनाएं कौन सी होगी, यहाँ पे अलैंगिक जनन को दर्शाती है, अलैंगिक जनन। इसके दौरान यहाँ पे क्या होता है, कौन सी क्रिया होगी, मुकुलन की क्रिया, क्योंकि मैंने क्या बताया, ये हाइड्रा के समान संरचना होती है। जो आपको बताया हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन पाया जाता है वो किसके द्वारा होता है, मुकुलन की क्रिया के द्वारा होता है। अब देखो ये गोनेंजिया स्ट्रक्चर है, आपको ये कैसी दिखाई दे रही है, देखो ऊपर की ओर यहाँ पे एक पोर पाया जा रहा है और नीचे की ओर यहाँ पे एक गोलाकार एक अंडाकार संरचना पाई जा रही है, और नीचे की क्या प्रेजेंट हो रहा है, व्रंत जैसी संरचना, जिसे क्या कहा जाता है, स्टोक कहा जाता है। जब कॉलोनी पूर्ण या परिपक्व हो जाती है, तो जब वो अडल्ट अवस्था में पहुंचता है, यानी प्रौढ़ावस्था जिसे अपन बोलते हैं, अडल्ट अवस्था के अंदर जब वो पहुंचता है, तो यहाँ पे हाइड्रेंथ और मुख्य स्तंभ कक्ष में विशेष प्रकार की यहाँ पे बेलनाकार संरचनाओं का निर्माण हो जाता है। देखो ये कैसा है, देखो यहाँ पे बेलनाकार संरचना, यहाँ पे आपको पता है जब बेलन की आकृति होती है तो दो हत्थों के बीच में एक थोड़ी मोटाई लिए हुए एक संरचना पाई जाती है, तो बेलनाकार संरचना का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। इसे क्या कहा जाता है, यहाँ पे इस संरचना को क्या कहा जाएगा, ब्लास्टो स्टाइल कहते हैं। ये संरचना क्या कहलाएगी, ब्लास्टो स्टाइल। देखो पोषक जीवक तो किसे कहा जाता है, पॉलिप को, जबकि यहाँ पे ये जो ब्लास्टो स्टाइल है इसे क्या कहा जाता है, जनन जीवक कहा जाता है। देखो जनन जीवक कहने का एक रीजन है, क्योंकि इसकी संरचनाओं में इसके जो इंटरनल पार्ट्स है, इस इंटरनल पोर्शन के अंदर यहाँ पे कुछ संरचनाओं का निर्माण होता है। ये संरचनाएं गोनाड्स के रूप में डेवलप होती है, जैसे कि अपन बात करें लैंगिक जनन दर्शाने वाला ओबिलियम एक संरचना पाई जाती है, जिसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जिसे क्या कहा जाता है, मेडुसा। तो मेडुसा का फॉर्मेशन किसके अंदर होता है, गोनेंजिया के अंदर। तो इसे क्या कहा जाता है, जनन जीवक भी इसे कहा जाता है। इसके ऊपरी भाग पर क्या प्रेजेंट होता है, एक छिद्र लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, गोनोपोर कहा जाएगा, इसे गोनोपोर। अब जिस मेम्ब्रेन के द्वारा ये आवृत होते हैं उसे क्या कहा जाता है, गोनोथिका कहा जाएगा। बीच के अंदर एक यहाँ पे नीचे की ओर एक व्रंत लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे क्या कहा जाता है, स्ट्रोक कहा जाता है। और अंदर की ओर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, ब्लास्टो स्टाइल। और इन ब्लास्टो स्टाइल के ऊपर ही किसका डेवलपमेंट होता है, मेडुसा का डेवलपमेंट होता है। तो देखो ये आपको यहाँ पे एक संरचना दिखाई दे रही होगी, इसे क्या कहा जाता है, मेडुसा कहा जाता है। तो ये संरचना हो गई किसकी, मेडुसा की। इसी के साथ साथ अपन बात करेंगे कि इस मेडुसा का डेवलपमेंट जो होता है वो किसके द्वारा होगी, यहाँ पे मेडुसा बड इसके अंदर पाई जाती है। ये मेडुसा बड पे किसका डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे मेडुसा का डेवलपमेंट होता है। अब अपन बात करेंगे कि इसके अंदर ये त्रिरूपी संरचनाओं को भी दर्शाने वाला होता है। अब यहाँ पे देखो इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, पेरिशार्क और सिनोशार्क प्रेजेंट है। सिनोशार्क को जठर वाहिनी भी कहा जाता है। सिनोशार्क और पेरिशार्क किस में, देखो स्टोक वाले भाग में ये कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं इसके चारों ओर क्या प्रेजेंट होगा, एक पुष्प यानी कैप्सूल नामक आवरण पाया जाएगा, गोनोथिका ये कहलाता है। अब देखो यहाँ पे ब्लास्टो स्टाइल के अंदर जो लैंगिक जनन के रूप में यहाँ पे किसका डेवलपमेंट होता है, मेडुसा का डेवलपमेंट होता है, मेडुसा का विकास होता है। और ये विकास की कौन सी अवस्था है, जनन अवस्था होती है। और जो कौन सा जनन दर्शाता है, यहाँ पे लैंगिक जनन को दर्शाता है। तो ये लैंगिक जनन के लिए हेल्पफुल होता है, क्योंकि गोनेंजिया के अंदर मेडुसा का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब निवेह के अंदर यानी कि अब देखो जब यहाँ पे ये गोनोपोर जब खुलता है, खुलेगा किससे, यहाँ पे गोनोथिका क्या होगी, थोड़ी सी रैप्चर होगी, यहाँ पे गोनोपोर खुल जाएगा, जिसके अंदर यहाँ पे जो डेवलपिंग होगी यानी जो डेवलप होगा मेडुसा, वो कहाँ निकल जाएंगे, बाहर की ओर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे ओबेलिया कॉलोनी में अपने कितने रूप हो गए, तीन रूप इस कॉलोनी के अंदर पाए जाते हैं। पहला रूप तो हो गया पॉलिप, दूसरा हो गया गोनेंजिया, और तीसरा इस गोनेंजिया में क्या डेवलप होता है, मेडुसा का डेवलपमेंट होता है। तो दो तो अलैंगिक जनन को शो करेंगे, जिसमें अपने पास हो गया अलैंगिक जनन के लिए पॉलिप और यहाँ पे ब्लास्टो स्टाइल। जबकि ब्लास्टो स्टाइल पे डेवलप होने वाली जो संरचना होती है उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पे मेडुसा कहा जाता है, जो लैंगिक जनन को दर्शाता है। ये अपनी बात तो किसके बारे में, अब सेकंड नंबर हो गया यहाँ पे गोनेंजिया। अब देखो थर्ड अपन गोनेंजिया के अंदर मेडुसा तो नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन अपन यहाँ पे इनके अंदर एक न्यूट्रिशन की क्रिया देखते हैं, कि जो न्यूट्रिशन की जो क्रिया होती है वो किस प्रकार की इनके अंदर पाई जाती है। ये अपनी संरचनाओं में देखने के बाद अपन यहाँ पे न्यूट्रिशन की क्रिया देखते हैं, कि पोषण की क्रिया किस प्रकार की इनके अंदर उपस्थित होती है। तो देखो
यहाँ पे अमीबा में अपन पोषण देखते हैं, यहाँ पे ओबेलिया में पोषण की क्रिया देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होती है, इनके अंदर पॉलिप ओबेलियन कॉलोनी में, आपको मैंने अभी बताया कि इसका जो पॉलिप स्ट्रक्चर होती है, पॉलिप ओबेलिया में पोषक जीवक होता है। कौन सा जीवक होगा? पोषक जीवक होगा, यानी पोषण की क्रिया तो किसके द्वारा होगी? पॉलिप के द्वारा ही डेवलप होती है, पॉलिप के द्वारा ही यहाँ पे पोषण की क्रिया कंप्लीट होती है। अब इसी में देखते हैं कि पॉलिप में भी पोषण की जो क्रिया होती है, ये पोषण की क्रिया किसके समान होगी? हाइड्रा के समान होती है। आपको बताया मैंने हाइड्रा में भी क्या पाए जाते हैं? स्पर्शक पाए जाते हैं, और ओबेलिया कॉलोनी के पॉलिप में भी क्या प्रेजेंट होती है? यहाँ पे टेंटेकल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, यानी स्पर्शकों की संख्या भी इनमें पाई जाती है। तो संपूर्ण कॉलोनी की भोजन की व्यवस्था करने का, तो ये क्या करता है? भोजन की व्यवस्था करने का कार्य कौन करता है? पॉलिप ही करता है, जो किसके समान आकृति होती है? हाइड्रा के समान। और यहाँ पे भोजन को पकड़ने का कार्य और किसी शिकार से रक्षा करने का कार्य कौन करते हैं? ये स्पर्शक करते हैं। तो ये क्या करेंगे? भोजन को पकड़ने, साथ ही साथ यानी क्या करेंगे, ये रक्षा करने का कार्य भी कौन करते हैं? ये स्पर्शक ही करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये अपन फूड की बात करें, भोजन की बात करें, तो भोजन यानी कि फूड की जो क्रिया होती है, भोजन फूडिंग यानी कि यहाँ पे जो भोजन होगा वो, यानी ये पॉलिप जो इस यानी कि जो आकृति होती है या पॉलिप जो संरचना होती है, ये पॉलिप संरचना किस प्रकार की होती है? मांसाहारी प्रकार की होती है, क्योंकि यहाँ पे मांसाहारी या शिकारी प्रवृत्ति का ये जीवक होता है, जो छोटे आहार के या जलीय जंतु, जैसे अपन बात करें ये जो जलीय जंतु होते हैं, उन जलीय जंतुओं को यहाँ पे ये टेंटेकल्स के द्वारा उनको क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, जो क्या करते हैं भोजन के अंतर्ग्रहण में क्या होते हैं? हेल्पफुल होते हैं। जैसे अपन जंतुओं में जैसे क्रस्टेशियन वर्ग जो होता है, उस जीव के क्रस्टेशियन वर्ग के जो जीव होते हैं, जैसे अपन बात करें निमेटोड्स हो गए, कर्मी रूपी जीव हो गए, उन कर्मी रूपी जीवों का या क्रस्टेशियंस जंतुओं का ये क्या कर लेते हैं? अंतर्ग्रहण करने में ये टेंटिकल्स क्या होते हैं? हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे जो पॉलिप अवस्था होती है, ये एक मांसाहारी प्रकार की जो क्या करेगी, जीवों को पकड़ने में क्या होती है? हेल्पफुल होती है। किसके द्वारा पकड़ेगी ये भोजन को? यहाँ पे ये टेंटिकल्स के द्वारा भोजन का क्या करती है? अंतर्ग्रहण करती है। जैसे भी क्रस्टेशियंस जीव आएंगे, उन क्रस्टेशियंस जीव का यहाँ पे क्या कर लेगी? उनको यहाँ पे अंतर्ग्रहित कर लेगी, क्योंकि यहां पर टेंटेकल्स के ऊपर क्या पाए जाते हैं? कुछ विशिष्ट प्रकार की स्पेसिफिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? निमेटोसिस्ट कोशिकाएं कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इससे बनता है कि यहाँ पे जो ये जो पॉलिप स्ट्रक्चर होती है, इनमें जो स्पर्शक पाए जाते हैं, इन स्पर्शकों पर कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती है, और ये यहाँ पे स्लेंट्रेट का एक स्पेशलाइज्ड करैक्टर भी होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है यहाँ पे, यानी दंश कोशिकाएं उन्हें कहा जाता है। वो दंश कोशिकाएं क्या करती है? किसी भी जीव का, जैसे कि अपन क्रस्टेशियंस वर्ग के जो जीवों में बताया मैंने, उन क्रस्टेशियंस जीवों को यहाँ पे क्या करती है? भक्षण करने का कार्य करती है, क्योंकि उन निमेटोड्स या अपन निमेटोसिस्ट सेल्स की बात करें, उनके अंदर क्या पाया जाता है यहाँ पे? फिनोल का, और फिनोल के साथ साथ कुछ रसायन केमिकल्स होते हैं, उनका यहाँ पे मिश्रण पाया जाता है, जो एक टॉक्सिक प्रकार का नेचर रखता है, जो क्या करता है यहाँ पे भक्षण जीवों को क्या करेगा? उस केमिकल के द्वारा वहाँ पे क्या कर देगा? उनकी मेम्ब्रेन को रैप्चर करेगा, जिसके दौरान वो क्या कर लेगा? उन कोशिकाओं का भक्षण कर लेता है। तो ये अपनी बात, यानी कि अब अपन बात कर रहे हैं कि इसके अंदर जो फीडिंग की क्रिया होती है, यानी फीडिंग मैकेनिज्म किस प्रकार से इनमें कंप्लीट होती है, तो कंप्लीट होने के लिए इन स्पर्शकों पर क्या पाए जाते हैं? यहाँ पे छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है, उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? यानी दंश कोशिकाएं कहा जाता है। फीडिंग मैकेनिज्म में अपन देखते हैं यहाँ पे फिटिंग की क्रिया किस प्रकार होगी। तो देखो पॉलिप की संरचना हाइड्रा के समान होती है, हाइड्रा के साथ साथ अपन यहाँ पे बात करें, यानी यह जो अस्तक वाला भाग है ये मैनुब्रियम कहलाता है, इसके बीच में क्या पाया जाता है? मुख पाया जाता है, साथ ही साथ इसे क्या कहा जाता है? हाइपोस्टोम कहा जाता है। अब देखो इस हाइपोस्टोम के यहाँ पे चारों ओर प्याले लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पे धागे लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्शक कहा जाता है। इन स्पर्शकों के पर ही यहाँ पे छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होगी? कोशिकाएं पाई जाएगी। इन छोटी छोटी कोशिकाओं को क्या नाम दिया जाता है? दंश कोशिकाएं कहा जाता है, और एक और नाम निमेटोसिस्ट
सिस्ट कोशिकाएं। इम्पोर्टेंट करैक्टर बनता है ये। सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं में विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती है जो किसमें सहायक होती है, किसी भी जीवों को या जलीय जंतु, जो छोटे जलीय जंतु होते हैं उन जलीय जंतुओं के भक्षण में जो हेल्पफुल कोशिकाएं होती है वो कौन सी होती है, निमेटोसिस्ट सेल्स होती है। ये क्या करती है, जीवों का भक्षण करने में सहायक होती है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये जो संकुचनशील 24 स्पर्शकों का जो एक ठोस घेरा होता है जो भोजन को पकड़ने में क्या होते हैं, यहाँ पे सहायक होते हैं, इन्हें निमेटोसिस्ट कोशिकाएं कहा जाता है। ये सिलेंट्रेट का क्या है, इंपॉर्टेंट करैक्टर माना जाता है। ये छल्लेदार संरचनाएं होती है जो दंश कोशिकाएं होती है, छल्लेदार या वलयाकार संरचना होती है जिन्हें वलयाकार छल कोशिकाएं भी कहा जाता है। अब अपन देखते हैं कि जो इनकी स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार की होती है। तो देखो सबसे पहले अपन देखेंगे जो दंश कोशिकाएं हैं, ये दंश कोशिकाएं ब्लब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती है। यहाँ पे इनके अंदर क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पे द्रव पाया जाता है, इस द्रव में ही यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये बनाती है। ये ऊपर वाला भाग यहाँ पे क्या बनाएगा, ऑपरक्यूलम बनाता है। ऑपरक्यूलम वाले भाग पे यहाँ पे ऑपरक्यूलम पाया जाता है जिसके द्वारा ये लासो कहलाता है, यहाँ पे ये थ्रेड कहलाता है, यानी थ्रेड कहलाता है, ये ऑपरक्यूलम कहलाता है, यहाँ पे इनको निडिल कहा जाता है, और यहाँ पे इनके अंदर क्या भरा हुआ रहता है, यहाँ पे मैट्रिक्स भरा हुआ रहता है। यहाँ पर ये जो आउटरी जो मेम्ब्रेन होती है ये कॉइल्ड थ्रेड होता है, ये बर्ड्स कहलाते हैं, बर्ड्स कहलाते हैं, ऑपरक्यूलम हो गया। बाहर की तरफ जो आउटरिंग होगी ये नीडोसिल के अंदर यहाँ पे क्या होता है, एक ऑपरक्यूलम रूप से एक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो ये नीडोसिल कहलाता है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे नीडोसिल कहा जाता है, ये एक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर। इसके ऊपर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एक बड़ी आकृति के रूप में क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये एक संरचना हो गई जो स्पर्शकों के ऊपर प्रेजेंट होती है जिसे क्या कहा जाता है, निमेटोसिस्ट या दंश कोशिका कहा जाता है। अब देखो अपन यहाँ पे दंश कोशिका की स्ट्रक्चर में देखते हैं ये एक कैसी है, यहाँ पे ओवल लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो पॉलिप के यहाँ पे स्पर्शकों पर पाई जाने वाली, पॉलिप के स्पर्शकों पर पाई जाने वाली जो भी कौन सी लेयर पे, एपिडर्मिस पे, एपिडर्मिस पे पाए जाने वाली छोटी संरचनाएँ होती है जो कि अधिचर्म पर उपस्थित होती है, और इन्हें आक्रमण अस्त्र के भांति ये क्या करती है, यहाँ पे कार्य करती है, तो अस्त्र की तरह ये कार्य करती है। इन्हें क्या कहा जाता है, दंश कोशिकाएं या निमेटोसिस्ट कोशिकाएं कहा जाता है। इनका जो निर्माण होता है वो होता है निमेटोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा। तो ये जो इनकी पूर्ववर्ती कोशिकाएं होती है निमेटोब्लास्ट, उन निमेटोब्लास्ट कोशिकाओं से ही इनका क्या होता है, ओरिजिन होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, दंश कोशिकाएं कहा जाता है। अब देखो इसके स्ट्रक्चर में देखें कि ये जो यहां पे गोलाकार संरचना है इसके मध्य भाग में क्या भरा हुआ रहता है, द्रव पाया जाता है। इस द्रव के अंदर विशिष्ट प्रकार की, यहाँ पे इस द्रव में क्या क्या पाए जाएंगे, विशिष्ट प्रकार के यहाँ पे ऑर्गन्स हो गए, जैसे कि केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये वाली संरचना इसके अंदर पाई जाती है। और इसके मुख्य भाग में दंशिका क्या होती है, स्थित होती है। अदर भाग पर एक संकुचनशील, एक पेशी लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर पाई जाती है। इसके मैंने आपको बताया कि सभी ऑर्गन्स इसके अंदर पाए जाते हैं, इसमें एक नीचे की और अधर सतह की ओर एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है, लासो कहा जाता है। ये किसी भी यहाँ पर मटेरियल आने के बाद में ये किसी को बाहर जाने से क्या करता है, उसे रोकने का कार्य करता है, यानी ये क्या कर देता है, उस संरचना को यानी बंद करने का कार्य कौन करेगा, यहाँ पे ये लासो संरचना करती है। एक सर्पिलाकार तंतु लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि
इसमें आपको ये यहाँ पे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल थ्रेड होता है। इस थ्रेड को बांधे रखने का यानी बाहर दगने से रोकने का कार्य सबसे ज़्यादा कार्य लासो का यही होता है कि ये जो इसमें थ्रेड है इस थ्रेड को बाहर निकलने या दगने के लिए रोकने का कार्य कौन करता है, ये लासो ही करता है। अब कोशिका द्रव में यहाँ पे विशिष्ट प्रकार के ऑर्गन्स हो गए, साथ ही साथ अपन बात करेंगे कि इसके स्वतंत्र सिरे पर एक प्रवर्त के समान, एक ढक्कन के समान एक दृढ़ पाया जा रहा है भाग, जिसे क्या कहा जाता है, नीडोसील कहा जाता है। ये नीडोसील, अब इसमें क्या होता है, 20 से 21 मोटी खोखली प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है जो कि नीडोसील के आधार पर क्या होती है, फैली हुई होती है। अब देखो नीडोसील दंश कोशिका के दगने के लिए, जैसे कि आपको एक पता है कि जैसे कि अपन यहां पे कोई भी गन चलाते हैं तो एक ट्रिगर होता है, तो उस ट्रिगर का कार्य कौन करती है, ये नीडोसील ही करती है। ट्रिगर जब हटता है यहां से तो यहाँ पे जो थ्रेड होगा वो किधर की ओर आ जाएगा, बाहर की ओर रिमूव हो जाता है। और ये जो भी, जैसे कि आपको पता है स्पर्शक के पास जो भी क्रस्टेशियंस जीव आएंगे, जो भी जलीय जीव आते हैं, उन जलीय जीव को यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, दंश कोशिका, इन दंश कोशिकाओं में क्या प्रेजेंट है, थ्रेड है। अब इसमें क्या है, ये आपको एक गोलाकार संरचना दिखाई दे रही है ओव्यूल लाइक, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मैटर पाया जाता है जो कैसा होता है, यहाँ पे टॉक्सिक प्रकार का होता है, हेपेटोटॉक्सिक कहा जाता है, जो क्या होता है, एक रासायनिक प्रकृति का टॉक्सिक नेचर का विषैला पदार्थ होता है। ये क्या करता है, इस थ्रेड के साथ बाहर निकलता है, इसका नुकीला भाग उस जलीय जंतु को क्या कर देता है, भेद देता है, और उसके अंदर इसको क्या कर देता है, इस जो मैटर है, इस मैटर को उसमें इंजेक्ट कर देता है, ये एक इंजेक्शन की भांति कार्य करता है। तो अपन यहाँ पे आज इस यहाँ पे दंश कोशिका के स्ट्रक्चर तक बात करते हैं, कल इसकी मैकेनिज्म और मेडुसा की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।